इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। सच्चाई का यार टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 पर साजिश की परछाई अगर छाने ले, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सर जमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, औलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 तेरी चक्कर करन करन करन। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था करन कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे सर, मैं कुछ समझा नहीं। हमारे पास आपके घर की तलाशी के वारंट है सर। करण साहब के जूते का सोल मौके वारदात पर मिले जूतों के निशान से मैच करता है। इतने बड़े जासूस होकर आपने मर्डर वेपन को आपके घर की रद्दी में छुपा कर रखा हुआ है। मैं केयर टेकर को लेकर आता हूं। पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर चुकी है मिस्टर करण, अब आपको यहां कुछ नहीं मिलेगा। यही तो फर्क है पुलिस और जासूस। जहां पर पुलिस की कार्रवाई खत्म होती है वहीं पर जासूस की तफ्तीश शुरू होती है। वैसे ऑफ द रिकॉर्ड आप जब मुझसे इतना प्रेम दिखा रहे हैं मुझे देखकर आपका जो चेहरा बिगड़ जाता है उसकी कोई खास वजह है? ऑफ द रिकॉर्ड इंस्पेक्टर अजय का नाम तो याद होगा आपको। इंस्पेक्टर अजय, हाँ ऑफ कोर्स, जिसे मैंने करप्शन के केस में सस्पेंड कर दिया था, जिसने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली थी। वही वो मेरा भाई था, उसके खिलाफ भी सबूत थे, आपके खिलाफ भी सबूत हैं। आप भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, मैं भी अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। नथिंग पर्सनल यू सी। श्योर। अरे मोहन है यहाँ का केयर टेकर। मोहन घबराओ मत, गौर से देखो इस इंसान को और पहचानो कल रात गाड़ी चलाने वाला यही इंसान था। साहब कल रात को मैं इनका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन रात को गाड़ी में यही थे, ये बात पक्की है। जब चेहरा नहीं देखा था तो इतने यकीन के साथ कैसे कह रहा है कि यही थे? बस साहब यही थे, हमारा यकीन करो साहब। सच सच बोल,
नहीं तो थाने में ले जाके बंद कर दूंगा। बता। बताता हूँ साहब। साहब कल जब ये जा रहे थे तो ये अंगूठी निकलकर इनकी उंगली से नीचे गिर गई। साहब हमने उठा ली। राठी, करण साहब, ये अंगूठी? जी हाँ, ये अंगूठी मेरी है। मुझे बस यही एक लूज पॉइंट नजर आ रहा था कि अदालत में ये कैसे साबित होगा कि कल रात गाड़ी चलाने वाले इंसान करण द डिटेक्टिव थे। अब रहा मोटिव, तो जैसे ही लड़की की आइडेंटिटी का पता चलेगा, हमें आपके और उसके रिश्ते के बारे में पता चलेगा, तो मोटिव भी क्लियर हो जाएगा। चले। कुमार साहब, अगर आपके अरमान पूरे हो गए हो तो हथकड़ियां खोल दीजिए। सॉरी करण साहब, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए मैं जानता हूं कि यह आपको फंसाने की साजिश है। आज सैटरडे है, मंडे तक तो हम बेल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। राठी, इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। मगर तुम क्यों मायूस होते हो? राठी, मैं जानता हूं कि तुम कानून के मुहाफिज हो, कानून की देवी से वचनबद्ध हो। तुम्हें पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाना चाहिए, और फिलहाल तुम्हारा फर्ज यह है कि तुम मुझे भी एक मुजरिम की नजर से देखो। एक काम करो राठी, मानिका से कहो कि फौरन मुझे यहां आकर मिले, और तुम ये पता लगाओ कि वो जो लाश मिली थी वो किस लड़की की थी और मेरा उससे क्या रिश्ता है। सर, फंसाने वाले ने बड़ा ही मजबूत चक्रव्यूह रचा है। तुम करण द डिटेक्टिव, करण द डिटेक्टिव, दिस इज परफेक्ट टाइमिंग ऑल ओवर अगेन। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। एक जरा सा क्राइम हुआ है और तो कोई बात नहीं। यार बंद करो अपनी शेरशायरी। ओके ओके ओके, कुछ समझ में आया इस केस के बारे में? नहीं यार, मेरे मौका वारदात पर पहुंचने से पहले ही पुलिस अपनी कार्रवाई कर चुकी थी। उस गार्ड ने भी मुझे पहचान लिया। कातिल बड़ा चालाक है। मॉडल टाउन के जिस गार्डन में उसने कत्ल किया, वहां से गुजरते हुए मैंने कई बार राठी और मोनिका से कहा था कि यह बहुत ही परफेक्ट जगह है कत्ल करने की। रात के अंधेरे में बुला लो, कत्ल करो और निकल जाओ। सबूत के तौर पर सिर्फ फुटप्रिंट्स मिलेंगे और पैरों के निशान मात्र सैकड़े होंगे, लेकिन उन सैकड़ों फुटप्रिंट्स के बीच में तुम्हारे पैरों के निशान वहां कैसे आए? तुम तो वहां गए नहीं। बस यही तो पता लगाना है कि मेरा ऐसा कौन सा चाहने वाला है जो मेरे घर में घुसा, मेरी हैट, मेरा ओवरकोट, मेरी अंगूठी, मेरे जूते लिए, मेरी गाड़ी उठाई, गार्डन गया, कत्ल किया, वहां पर मेरी अंगूठी फेंकी,
मेरे जूतों के निशान बनाए और फिर दोबारा मेरे घर में आकर मेरे जूते वहीं रखे जहां पर होने चाहिए और मेरे कमरे में पिस्तौल रखती जिससे कत्ल हुआ था और मेरे हाथ पर वो निशान बना दिया। कौन है इंसान, कौन चाहता है मुझे इतना? कोई भी हो सकता है। तुम्हारे चाहने वालों की लिस्ट कम थोड़ी है, एक ढूंढोगे हजार मिलेंगे। एक तो वही जो ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कुमार है ना। अब सवाल यह उठता है कि कातिल तुम्हारे घर के अंदर आया कैसे? अरे यार, यही तो मैं भी सोच रहा हूं, ये सारे खिड़की दरवाजे तो बंद थे। उम्र हो गई है तुम्हारी, भूलने लगे हो तुम। क्या 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 भूला? राजेंद्र ने तुमसे क्या कहा था? ये किचन की खिड़की खुली थी। ओह माय गॉड, ये बात मैं कैसे भूल गया? इसका मतलब यह हुआ कि मेरे घर आने से पहले कातिल मेरे घर आया था। ध्यान से सोचोगे तो कातिल तुम्हारे घर तीन बार आया था। पहली बार खिड़की से तुम्हारे घर की चाबी और उस जूस के डब्बे में नींद की दवा मिलाने, और दूसरी बार वो दरवाजे से आया, मुझे और राजेंद्र को बेहोशी की नींद सुलाने के बाद उसने मेरी हैट, मेरा ओवरकोट, मेरी उंगली की अंगूठी, मेरे जूते और मेरी गाड़ी की चाबी ली। और तीसरी बार कत्ल करने के बाद तुम्हारे तीसरी बार मेरा जूता, मेरी गाड़ी की चाबी, मेरे घर की चाबी रखने के लिए और साथ साथ में वो पिस्तौल रखने के लिए जिससे कत्ल हुआ था। हाँ, लेकिन एक बात है, जाने से पहले कातिल ने वो जूस का डिब्बा जिसमें नींद की दवा थी और वो ग्लास जिसमें वो जूस था दोनों बदल दिए होंगे ताकि तुम ये साबित ना कर पाओ कि तुम्हें बेहोश किया गया था। राइट अगेन? हाँ, वो लड़की कौन थी जिसका कुछ पता चला? नहीं। हाँ, लेकिन मैंने राठी से कहा है इसका पता लगाने के लिए। देखो मेरे दोस्त, मेरे ख्याल से इस पहेली को सुलझाने के लिए तुम्हें खुद यहां से जाना होगा या फिर मंडे तक अपनी बेल होने का वेट करो ताकि कातिल सारे लूज एंड स्ट्राइट कर दे या फिर कानून के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुद कानून को तोड़ो। ये फैसला तुम्हें करना है। मेरा क्या है, मैं तो अक्स हूं, ये जेल की सलाख है, मुझे तो कैद कर नहीं सकते। मैं तो चला, बाय। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। सर, किससे बात कर रहे थे? उससे जो कभी कभार मुझे दर्शन दे ही देता है। आज आपने मुझे दर्शन दिए, धन्य भाग हमारे। एक दोस्त की शादी में सूरत गई थी सर, पर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं वर्ल्ड टूर से आ रही हूँ। तुमने भी सुन लिया होगा। हाँ सर, राठी सर ने सब कुछ बताया, लेकिन ये सब हुआ कैसे? यही तो पता लगाना है। देखो मानिका, मैं हिरासत में हूँ, राठी अपनी वर्दी से बंधा हुआ है। देखो थी, तुम्हें सुलझानी है, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है मानिका। सर, आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, बताइए कहाँ से शुरू करूँ? कातिल तीन बार मेरे घर आया था, तुम मेरे घर जाओ और माइन्यूटली हर चीज को एग्जामिन करो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। राइट सर। ऑल द बेस्ट टू मी। करण, द डिटेक्टिव। करण, द डिटेक्टिव। मैंने गेट के भीतर उन्हें आने ही नहीं दिया और साहब के कहे के मुताबिक घर की किसी चीज को मैंने हाथ नहीं लगाया। सच में? वेरी गुड काका। अच्छा काका, एक छोटा सा काम कर देंगे? बोलो। ये एक सामान की लिस्ट है, आप इसे मेरे लिए ला देंगे? हाँ। और ये आप रखिए,
अच्छा अच्छा, तुम घर की चाबी लो, मैं सामान लेके अभी आया। ओके। Karan, the detective. Karan, कहिए कमिश्नर साहब, अब कौन सा नया सबूत लेकर आए हैं जो मुझे फांसी के फंदे की ओर करीब ले जाएगा? हमें मकतूल की आइडेंटिटी का पता चल गया है करण। कौन है वो? सर, हमें पता चला है कि उसका नाम ज्योति है और वो मॉडल टाउन में ही कहीं रहती है। सर, आपसे गुजारिश है, अगर आप मुझे अपने साथ वहां ले चले तो मुझे मेरे केस को लड़ने में मदद मिलेगी। मिस्टर करण। ओके, थैंक यू सर। मेरा यकीन कीजिए कमिश्नर साहब, मैं इस घर में पहले कभी नहीं आया। लेकिन सबूत कुछ और ही कहते हैं करण।
यही ज्योति है करण, क्या तुम इसे सचमुच नहीं जानते? सर ये सूरत आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। अगर ये सूरत पहली बार देख रहे हो तो ये क्या है? ये हो ही नहीं सकता सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। सर ये फोटो मुझे स्टडी से मिली है। और सर ये कुछ फोन बिल्स हैं इस लड़की के मोबाइल के। पिछले 3 महीने में इस लड़की ने अपने मोबाइल से करण सर की लैंडलाइन पर रोज 4 से 5 बार फोन किया। अब समझ में आया, ये वही लड़के हैं जो पिछले 3 महीने से मुझे ब्लैंक कॉल्स देकर परेशान कर रही थी। ब्लैंक कॉल्स 20-20 मिनट के नहीं होते मिस्टर करण, हर तीसरे चौथे दिन आपकी उससे 20-25 मिनट तक की बातें हो रही हैं। जी नहीं, उसके ब्लैंक कॉल से परेशान होकर मैं अपना फोन ऑफ द हुक कर देता था, लेकिन शायद वो लड़की अपना फोन नहीं काटती थी, दैट्स व्हाई। क्योंकि ये रिश्ता नहीं काटना चाहती थी आपसे। सर ये रही इसकी पर्सनल डायरी, पिछले 4 महीने की एंट्रीज इसमें हैं। 15 सितंबर को ये लिखती है, आज मैं करण द डिटेक्टिव से पहली बार मिली। ही इज द मोस्ट वंडरफुल मैन ऑन अर्थ एंड ही मेड मी फील सो गुड। पहली ही मुलाकात में मैं उनको दिल दे बैठी हूं। और मुझे ये गौर से सुनिएगा सर, उनकी आंखों में भी अपने लिए सेम जज्बात नजर आए। और 5 अक्टूबर को इनकी कशिश प्यार में बदल गई। लिखती हैं, आज हम 2 जिस्म एक जान हो गए, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। करण ने आज जल्द ही मुझसे शादी करने का वायदा किया है, लेकिन एक अजीब बात है, वो मेरे उनके मोबाइल पर की कॉल्स नहीं उठाते। और नवंबर में आते आते करण साहब का, हमारे आदर्शवादी डिटेक्टिव का, दिल उनसे उठ गया। और सर ये रही लास्ट एंट्री, परसों की एंट्री। आज फैसले की रात है, करण से मिलने में मॉडल टाउन पार्क जा रही हूँ। अगर आज उसने मुझे दुत्कारा तो मैं सीधे प्रेस में चली जाऊंगी, और प्रेस में तो जाने देने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि करण साहब बहुत अच्छे से जानते हैं इमेज की वैल्यू। सर सर क्यों किया आपने ऐसा? सर काटे पीछे, पीछे हटो, जरा सा भी हिले ना तो टोपी के साथ भेजा उड़ा दूंगा। करण ये तुम गलत कर रहे हो। I'm sorry सर, मेरे पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। मैं देखो ना बेकसूर हूं मैं, और जब तक असली मुजरिम को मैं सामने नहीं लाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बट प्लीज यू हैव टू कोऑपरेट। तो बाहर चलिए, बाहर बाहर। सर देखिए ये ठीक नहीं है सर, ये ठीक नहीं है सर, सर ये आप गलत कर रहे हैं सर। सर मानना पड़ेगा, जिसने भी मेरे खिलाफ ये साजिश रची है बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, लेकिन मैं उसके नहले पे तहरा मार के आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज नहीं, अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त करण द डिटेक्टिव। तब तक आप सब धूम से बनाइए लोहड़ी। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से लोहड़ी की बधाइयां। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है तूफान है फौलाद है चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सर जमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है
तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 दे दी चक्चे।